नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय नितेश चौधरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्व समीकरणों के बारे में। दोस्तों, कुछ एक सर्व समीकरण हैं जिसके बारे में हम जानते हैं जानेंगे आज कि इस वीडियो में। तो हम बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो पहली सर्व समीकरण है, सिंपल सी, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, पहली सर्व समीकरण जैसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी तरीके से इसको हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस में देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक हमारी अगली सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे तो इसका क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हम इसको खोलेंगे क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इसकी ये हो जाएगी। और उसके बाद में अगली आएगी ए, इसको माइनस में, माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद में माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई, आगे भी हैं और भी हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जब खोलते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब इसका होता है, इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्टक वन, और सॉरी कोष्टक ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ए माइनस बी का होल क्यूब इसको देखते हैं तो इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कोष्टक ए माइनस बी। ठीक है, कुछ एक और है आगे हम देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब ले लिया ना, एक है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या आएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और आ जाएगा आगे बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब टू ए माइनस बी। दोस्तों याद रखना है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया। दोस्तों इसमें याद रखना है ये प्लस और माइनस का बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ये बाहर आ गया, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके गुणा में रहेगा, एक तरीके से कॉमन है ये। ठीक है, इसमें और ये है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी कोष्टक में, ठीक है, इक्वल टू सॉरी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा निकल के अंत में।
ठीक है। इसी तरीके से हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ए प्लस बी और इसका गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू भी आएगा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते हैं तो इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, इतना हो गया। एक और है, बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको हम जानते हैं, उसको भी देखेंगे। दोस्तों इन जो सर्विस समीकरण ये हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें बहुत काम आती है। ठीक है, तो हमें याद करना है और जब ये हमें याद होंगी तो हम सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, और या कुछ है ये सर्व समीकरण है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ये ठीक है, और ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये सभी माइनस थ्री ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सर्व समीकरण है जो आपको याद करनी है। ठीक है, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है, तो इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो डालूं यहां से तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।